हिमाचल के बिलासपुर में नेपाली महिला ने एक पुलिसकर्मी पर दुराचार करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। नेपाली मूल की एक महिला ने पुलिस कांस्टेबल पर उसे जबरन अपने साथ ले जाने और दुराचार करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर बरवाणा थाना में तैनात कांस्टेबल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक छको क्षेत्र के नेपाली मूल की महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि वह मजदूरी करती है, उसके चार बच्चे हैं। गत शुक्रवार शाम पुलिस कांस्टेबल अजय उसके क्वार्टर में आया व उसके खारसी चौक में तैनात था। वहीं इस विषय को लेकर डीएसपी संजय शर्मा बिलासपुर ने बताया कि महिला की शिकायत पर बरवाड़ा थाने में आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। पीड़िता महिला का मेडिकल जांच करवाई गई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया तथा 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। 16 मई को एक नेपाली मूल की महिला उम्र करीब 40 वर्ष, उसने थाना बरवाणा में जो है वो FIR करवाई है कि एक पुलिसकर्मी जो पहले पुलिस चौकी खारसी में कार्यरत था तथा दोनों एक दूसरे के नोन है, उसको जो है वो 15 मई को एक गाड़ी में बिठा के जो है वो जबरदस्ती गुमारमी अपने क्वार्टर में ले आया और जहाँ उसने उसके साथ जो है वो गलत काम किया। इस संदर्भ में जो है वो थाना बरवाणा में धारा 366, 376, 34, 35 के अंतर्गत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अन्वेषण जो है वो DSP हेडक्वार्टर बिलासपुर कर रहे हैं तथा इस मामले में अभियुक्त को जो है वो उसी दिन 16 मई को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, जिसे आज जो है न्यायालय में पेश किया गया और 3 दिन के रिमांड पर जो है वो अभियुक्त को जो है वो न्यायालय ने भेजा है। पुलिस जो है वो इस संदर्भ में जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें जैसे जैसे भी तथ्य सामने आते जाएंगे उसके मुताबिक जो है वो पुलिस जो है वो अतिशीघ्र जो है वो चालान तैयार करके जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। वहीं जिला बिलासपुर के पुलिसकर्मी के द्वारा प्रवासी महिला के साथ दुराचार मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं, मुख्यमंत्री जी से पीड़ित को न्याय मिल सके, ये मांग प्रदेश युवा कांग्रेस ने उठाई है। प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रजनीश मेहता ने बताया कि यदि सरकार समय रहते इस तरह के मामलों पर अंकुश नहीं लगाएगी तो आने वाले समय में बड़ी परेशानी होगी। न्यूज प्लस के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट। मैं प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव रजनीश मेहता पिछले कल हमारे जिला बिलासपुर में एक पुलिसकर्मी द्वारा किसी प्रवासी महिला का दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मांग करता हूं कि उस प्रवासी महिला को न्याय दिलवाया जाए और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।